तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा की जेलों में कोरोना की एंट्री, 2 दर्जन कैदी हुए कोरोना संक्रमित, रोहतक जेल सुप्रिंटेंडेंट कोरोना की चपेट में आए, 2 डिप्टी जेल सुप्रिंटेंडेंट भी कोरोना संक्रमित हुए, वहीं गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कराने का प्रयास। रोहतक जेल में सुप्रिंटेंडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 2 डिप्टी जेल सुप्रिंटेंडेंट भी कोरोना संक्रमित हुए, वहीं गांव में 24 घंटे बिजली की सुविधा के लिए। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां हरियाणा के जेलों में 2 दर्जन कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए, वहीं जेल के सुप्रिंटेंडेंट भी कोरोना की चपेट में आए। वहीं रणजीत चौटाला से हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने आइए आपको सुनवाते हैं। कोरोना तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसके मद्देनजर सरकार द्वारा समय समय पर नए दिशा निर्देश पारित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। सर, ये बताएं कि जेल में विभाग भी आपके पास है, किस तरीके से क्या प्रोटोकॉल जो है वो जारी किए गए? जो पहले 2 बार कोविड का केसेज आए उससे हम बहुत सीख गए और कैदी भी हमारे सीख गए, तो पहले ही अपने आप को हर आदमी एहतियातन, क्योंकि पिछली बार देख लिया कैसे शुरू हो रहा है, कैसे हर आदमी समझा हुआ है। मास्क कहने की जरूरत पड़ी, मास्क हमने दिए, सबने लगाने शुरू कर दिए। सोशली डिस्टेंस, जैसे अंदर सैर करते हैं, शाम को जब बाहर निकलने का टाइम होता है तो फासला रखे चलते हैं, पहले से वो भी अपने आप को, हालांकि ये उतना नहीं है जो सेकेंड वेव में आया था, उतना खतरनाक नहीं लग रहा, पर फिर भी लोग अपने जान बचाने के लिए सावधान तो रहते हैं। और आपका टीवी मीडिया लोगों को बहुत इस मामले में एजुकेट कर रहा है। हमारे कैद अब तक जो जेलों में आए हैं, कोई 2 दर्जन के केसेस आए हैं जो कल तक लास्ट अपडेट हुए हैं, उसमें ज़्यादा फरीदाबाद से हैं, बाकी एक एक दो दो सब जगह के ही हैं, और वो भी वो लोग हैं अंदर जो कैदी थे वो नहीं है, जो बाहर से आए थे, जो फ्रेश केसेस थे, चाहे वो नई सजा वाले थे या पैरोल पे जाके वापस आए हैं, वो लोग मिले, उन्हें हमने बाहर चेक करवा लेते हैं। जब अंदर भेजते हैं तो पहले चेक होता है, और वो एक नियम है उसमें चेक करके जिनमें मिला उन्हें क्वारंटाइन करके रख दिए। आगे अंदर हमारे नहीं, अंदर केवल एक सुप्रिंटेंडेंट जेल रोहतक और 2 उनके डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल हैं, 3 आदमियों को हुआ, उन तीनों को हमने तुरंत मेडिकल देके उन्हें क्वारंटाइन कर दिया। सर, ये बताएं कि जेलों के अंदर क्वारंटाइन करने के लिए किस तरीके से जो है प्रिकॉशंस ली गई है, कोई अलग से व्यवस्था की गई है, डॉक्टर्स जो है वो जेलों के अंदर मुहैया करवाए गए हैं जो डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे जो है चेकअप करते हैं? नहीं, इमीडिएट डॉक्टर्स को बुला लिया जाता है, हमारे सुप्रिंटेंडेंट जो है सब एडमिनिस्ट्रेशन पूरा डीसी हर तरीके से मदद करते हैं, कहीं सीएमओ जब जरूरत होती है मिल जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक हो रहा है, जो रेगुलर आपरा में है वही लाइफ वहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। सर, ये बताएं कि किस तरीके से जो नए नियम थे, जो बाहर से जो कैदी हैं, जो कैदी वहां पे पहले से रह रहे थे, उनसे मिलने के लिए, मिलने जुलने के समय में क्या कुछ तब्दीलियां की गई हैं, क्या कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो ली गई हैं? देखिए, एक खाली पहले का बाकी सिस्टम वही है, खाली एक फिजिकल जो मीटिंग थी आपस में, जो सामने एक दूसरे के सरिये लगे होते थे, बीच से सामने जैसे आप हम बात कर रहे हैं, एक बीच में सरिये लगे होते थे, वो हमने बंद कर दिया ताकि वायरस एक दूसरे को नहीं आ जाए, और एक गिलास लग गया और उधर दूर से बैठ के एक दूसरे का चेहरा देख के फोन से बात कर सकते हैं। सर, ये बताएं कि बिजली मंत्रालय भी आप ही के पास है, तो किस तरीके से अभी हाल ही में बिजली संकट जो है वो देखने को मिल रहा है? कुछ एक हॉस्पिटल से भी जो है वो बिजली गुल होने की बातें सामने आई थी, तो वहीं किसानों को लेकर भी काफी समस्याएं आ रही है, क्या कुछ जो है प्रावधान किए जा रहे हैं? मैं मेरी उम्र से देख रहा हूँ, 50 साल में कभी भी इस मौसम की इतनी बारिश नहीं हुई। जी, होती है 5-7 उंगल होती है, इतनी नहीं होती। अब के पहली बार ये हुआ है कि जनवरी के महीने में इतनी बरसात हुई है कि जो रिकॉर्ड है, खेतों में पानी भर गया था, कुछ जगह गेहूं भी पानी में डूब गए थे, कुछ जगह आलू की जो फसलें हैं करनाल में थे, अम्बाला, यमुनानगर, लाडवा, ये एरिया जो है जहाँ आलू की फसल डूबी थी वहाँ, और जहाँ गेहूँ डूब गई थी, जिन एरिया में पानी खड़ा हो गया वहाँ हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हमने कल से हिदायत दे दी, मैंने सीएम साहब से, हमारे ऑनरेबल सीएम से बात करी, वो कहने लगे नहीं, किसान नहीं बनना चाहिए, ये आपका फैसला है, जितना आप दें पानी उन्हें दें। तो हमने 24 घंटे कर दिया, हमारा कितने पैसा लगे कोई दिक्कत नहीं, किसान नहीं बनना चाहिए। अगर नागरिक अस्पतालों की बात करें तो खासतौर पर नागरिक अस्पतालों में कुछ एक जिलों से जो है वो बिजली गुल होने के 8-8 घंटे तक बिजली गुल रही थी, तो उसको लेकर क्या कुछ हिदायतें जो है वो जारी की गई हैं, और कैसे जो है इसके ऊपर टैप किया जा रहा है, नजर कैसे बनाई जा रही है? जो आपने कहा है वो ठीक है, दो जगह हुआ था ऐसा, 2 हॉस्पिटल में वो बिजली नहीं गई थी, जब बाद में चेक हुआ
तो देखा गया मीटर तक हमारी बिजली ठीक थी, आगे उनकी इंटरनल प्रॉब्लम थी। अब आगे बाहर में उन्होंने बना के करा दिया, हमारा काम अंदर थोड़ा है देखना, आपके घर में अंदर लाइन नहीं कैसे है वो आपका काम है, हमारा मीटर तक बिजली देने का काम है। जब दोनों जगह चेक हुआ तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन वही था, देख लिया बिजली की कमी नहीं थी, उनका अंदर की मामला था। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि जेलों के अंदर जो है कोरोना प्रोटोकॉल्स को सुचारू रूप से जो है उसका पालन करवाया जा रहा है, तो वहीं बिजली की आपूर्ति भी सभी जिलों में यहां तक कि गांव में सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट।